ओके ट्रांजिशन, ट्रांजिशन इसको कहते हैं, मैं एक डिफ बना रहा हूँ, ओके इस डिफ को आईडी देनी हो आईडी दे देते हैं, मैं इसको आईडी दे रहा हूँ एबीसी, या क्लास देनी है तो क्लास दे देते हैं, हमने आईडी पे बड़ी दफा काम कर लिया, क्लास देके देखते हैं क्लास एबीसी। डन बात यहाँ तक। अच्छा अब यहाँ पे स्टाइल का टैग मैंने लगाया हुआ है, स्टाइल के अंदर क्या लिखूंगा फॉर अ क्लास? हाँ डॉट, गुड। डॉट रिप्रेजेंट करता है क्लास को, और आईडी के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं? H, ओके डॉट ए बी सी, डन। और डॉट सिर्फ हम लगाते हैं CSS, ये CSS में लगाना है आपने, ये आप HTML में लगाना है प्रेजेंटेशन के लिए, वंस नाम आता है आपका, डन। ओके इसके अंदर अब हमने क्या करना है वो हम देख लेते हैं, साथ में इसको ओपन भी कर लेता हूँ। ओके ये हमारा साथ में ओपन हो गया। अच्छा डॉलर एबीसी, सॉरी डॉट एबीसी के अंदर हमने प्रॉपर्टी लगानी है ताकि ये हमारा बॉक्स नजर आए। क्या लिखना करना पड़ेगा, क्या आपको पता है बॉक्स की विड्थ कितनी होती है 100% और हाइट कितनी होती है? आउटो, आउटो का मतलब अभी कितनी है? जीरो, क्योंकि डाटा नहीं है। और उसका बैकग्राउंड कलर क्या होता है? नो कलर। और दूसरा हमारा बॉर्डर कलर क्या होता है? नो कलर। तो मैंने अगर बॉक्स को शो करना है, डिव तो एक बॉक्स बना रहा है, लेकिन बॉक्स को किस तरह शो करूंगा? हाउ दानियाल? विड्थ देना जरूरी नहीं है, जस्ट हाइट देना जरूरी है, क्योंकि विड्थ तो 100% होगी। मैंने हाइट दे दी है 300 px, क्लियर? हाइट दे दी 300 px, क्योंकि हाइट आपकी होती है आउटो पे, आउटो का मतलब अभी कितनी होगी? जीरो, क्योंकि डिफ के अंदर अभी आपने कुछ रखा नहीं है, तो हाइट कितनी होगी? जीरो। डन बात यहाँ। अब आपने हाइट कितनी कर दी उसकी? 300 px। विड्थ तो है ही 100% फुल है, क्लियर बात यहाँ तक। अच्छा अब आपको दो ऑप्शन है, या तो बॉर्डर लगा लो या तो आप बैकग्राउंड कलर। हम बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर का मैं यहाँ पे लगा देता हूँ मैं ब्लैक। देखो बॉक्स आ गया, आ गया बॉक्स विद 100%, ठीक है। तो इस वजह से हम विड्थ भी दे देता हूँ मैं, ताकि बॉक्स थोड़ा मैंने छोटा करना है, मैं विड्थ दे देता हूँ यहाँ पे 150 px, और ये हाइट को भी थोड़ा कम कर देता हूँ यहाँ पे, इस हाइट दे देता हूँ मैं 100 px। डन बात यहाँ तक। बॉक्स आपका डिस्प्ले में नजर आ गया, और अगर हमने बॉर्डर लगाना हो तो बॉर्डर के लिए क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? बॉर्डर, बॉर्डर के अंदर क्या दूंगा मैं? 2 px सॉलिड ग्रे, कोई भी कलर करना हो। वो देखो कलर आ गया उसकी बॉर्डर पे, नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहा, ये लो अब आ गया। अच्छा अभी हम बात कर रहे थे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू आप मल्टीपल चीजें लगा सकते हो। जिस तरह आप लोगों ने यार अभी देखा था पैडिंग की प्रॉपर्टी, पैडिंग देखी थी ना, पैडिंग खाली पैडिंग का मतलब क्या होगा? ये चार जगहों को लग रही होती है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, डन। यहाँ तक आपकी जो पैडिंग है, पैडिंग अभी किस कितनी जगहों पर लग रही है? चार को, इसलिए इसको कहेंगे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो जिसके थ्रू मैं मल्टीपल काम कर सकता हूँ। इस तरह करके मार्जिन भी आपकी क्या है? शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। आपकी जो आपका जो बॉर्डर है ये भी आपकी क्या है? शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। क्योंकि इस बॉर्डर के अंदर आप तीन चीजें बता रहे हो, एक विड्थ बता रहे हो, एक स्टाइल बता रहे हो, और एक कलर बता रहे हो, डन। अच्छा इसके अलावा भी बॉर्डर काफी सारे हैं आपको मिलेगा यहाँ पे, देखो बॉर्डर बॉटम भी मिलेगा। बॉर्डर बॉटम का मतलब होगा सिर्फ बॉटम के लिए आपने तीन चीजें बतानी है। ये बॉर्डर बॉटम भी आपकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। अभी जब खाली बॉर्डर लिख रहे हो उसमें आप तीन चीजें बता रहे हो, विड्थ और स्टाइल और कलर, डन। और ये बॉर्डर किसको लग रहा है? मेरी चारों साइडों को। बॉर्डर बॉटम का मतलब क्या होगा? जस्ट बॉटम को लगेगा, लेकिन फिर भी उसके अंदर आप तीन चीजें बताओगे, तीन, ये भी शॉर्ट हैंड हुई ना, डन। अच्छा बॉर्डर बॉटम कलर क्या होगा? बॉटम का सिर्फ कलर, ये शॉर्ट हैंड नहीं है, डन। बॉर्डर बॉटम लेफ्ट राइट रेडियस में आ गया। बॉर्डर बॉटम स्टाइल, स्टाइल का मतलब हो गया सॉलिड डॉटेड, ये भी हमारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी नहीं है, क्लियर। बॉर्डर बॉटम विड्थ, सिर्फ विड्थ बतानी है कि 2 px 10 px, ये भी हमारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि जस्ट किसकी बता रही है? बॉटम का, सिर्फ एक को कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर हमारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है या नहीं?
चारों को लग रहा है, बॉर्डर कलर हमारा किसको लग रहा है, चारों को लग रहा है, तो दिस मीन्स ये हमारी शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी है। अब दूसरा हम आ जाते हैं, इसको मैं स्किप करता हूँ, बॉर्डर लेफ्ट शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है क्योंकि लेफ्ट साइड पे तीनों चीजें बताओगे। क्लियर? बॉर्डर लेफ्ट कलर हमारी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी नहीं है। डन, किस तरह करके प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ये हम मोस्टली जब तब करना हो जब आपने बहुत ज्यादा डीपली में जाके बॉर्डर सेट करना हो। डन, अगर आपने सिंपल है हर जगह एक सेम कलर देना, आप क्या लेते हो बॉर्डर एक ही, आप बता देते हो 5 PXE में शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, यहाँ तक कोई मसला? अच्छा, ये आपको मैंने इसमें बताया है कि बॉर्डर या बैकग्राउंड में से कोई एक लगा दो डिस्प्ले के लिए, दोनों भी लगा सकते हो। देखो दोनों से आपका डिस्प्ले में आ रहा है, आ रहा है नजर बॉक्स, आपने दोनों लगाने हैं, आपने दोनों में से कोई एक लगाना है, लेकिन लगाना कोई एक जरूरी होगा ताकि उसको शो करवाना हो। क्लियर बात यहाँ तक? अच्छा, अब ट्रांजिशन है क्या? ट्रांजिशन ये होता है कि यार जब मैं उस पर माउस लेके जाऊँ उसकी मूवमेंट शुरू हो जाए, बढ़ना शुरू हो जाए, और जब मैं माउस हटा दूँ तो वापस अपनी बैकवर्ड पोजिशन पे आ जाए। इसकी जो इनिशियल स्टेट है वो कौन सी है? ये वाली, जिसकी विड्थ 150 और हाइट 100 PX, ये साइज है इसका इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट का मतलब स्टार्टिंग स्टेट। डन बात यहाँ तक? ये साइज है, मैं कह रहा हूँ जब मैं माउस लेके आऊँ तो इसकी विड्थ बढ़ना शुरू हो जाए, और कहाँ तक जाए वो आप बताओगे। क्लियर बात यहाँ तक? ओके, अच्छा अब हम यहाँ पे लगाते हैं ट्रांजिशन। आपकी ट्रांजिशन की आपको यहाँ पे जितनी प्रॉपर्टी मिल रही है आपने सारी की सारी लगानी है। अच्छा, फर्स्ट वन प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है? ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी, इसके अंदर हम सारी प्रॉपर्टी बता सकते हैं, लेकिन अभी हम ये यूज नहीं करेंगे, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। हम इसके अलावा यूज करेंगे ट्रांजिशन डिले। ट्रांजिशन डिले का मतलब क्या है? ट्रांजिशन डिले का मतलब है कितनी देर बाद इसने स्टार्ट होना है, कितनी देर बाद इसने स्टार्ट होना, इसको कहेंगे हम डिले। और आप यहाँ पे जो भी टाइम बताओगे वो आप बताओगे सेकंड्स में, ठीक है? अगर आपने 2 मिनट्स का डिले देना है तो क्या लिखोगे? 120s। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, 2 मिनट्स में क्या लिखोगे? 120s, क्योंकि ये मिनट्स या आवर्स के मुताबिक एक्सेप्ट नहीं करेगा, किसके मुताबिक एक्सेप्ट करता है? सेकंड्स में, ठीक है? तो इतना डिले कोई देता भी नहीं है। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 3s, 3s का मतलब है 3 सेकंड्स, s शो करता है सेकंड को, यहाँ पूरा सेकंड ही लिखना आपने। क्या लिखोगे? 3s। डन बात यहाँ तक? डिले आपका दो बार चलेगा, कैसे? एक स्टार्ट के वक्त कि कितनी देर बाद मैंने स्टार्ट करना है, और जब कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम भी डिले चलेगा कि कितनी देर बाद मैंने वापस आना है। डिले आपका दो बार चलता है। क्लियर? आपका, आपको मैं टास्क देता हूँ यार, आपने नीचे से होके आना है, ठीक है? आप क्या करते हो, यहाँ से भी डिले लोगे और अपनी जब डेस्टिनेशन में अपने फाइनल स्टेट पे पहुंचोगे वहां से भी डिले लेके ऊपर आओगे। क्लियर बात यहाँ तक? अच्छा, नोट दूसरा क्या है, दोबारा मैं लिखता हूँ ट्रांजिशन और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। हमने डिले लगा दी, डिले लगा दिया, दूसरा हमारा कौन सा आ रहा है? ड्यूरेशन। ट्रांजिशन, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, सॉरी, हाँ, कितनी देर चलेगा। आपको मैं कहूँ यार नीचे से होके आओ 10 सेकंड्स में, और एक लड़के का कहूँ नीचे से होके आए 30 सेकंड्स में, कोई फर्क होगा? आपने आना पूरे पूरे टाइम पे, एक को जिसको मैंने 10 बोला, जिसको मैंने 30 बोला, उसने 10 सेकंड्स में आना, ना 9 ना 8 ना 11, उसने पूरे टाइम पे आना है। एक को मैंने 10 सेकंड का टाइम दिया और एक को मैंने 30 सेकंड का टाइम दिया, दोनों में क्या फर्क होगा? स्पीड का फर्क है, 10 वाला जल्दी आएगा, 30 वाला लेट आएगा। जितना आप टाइम इंक्रीज करोगे उतनी स्पीड स्लो होगी, जितना टाइम कम करोगे उतनी स्पीड फास्ट होगी, क्योंकि आपने अपना टाइम कवर करना है उतने ही सेकंड में, ना कम ना ज्यादा। क्लियर बात यहां तक? ओके, तो इसकी ड्यूरेशन में दे देता हूँ 10s, 10 सेकंड्स। डन बात यहां तक? एस हम यूज करते हैं फॉर अ टाइम, सेकंड्स। अच्छा, डिले भी लगा दिया, ड्यूरेशन भी लगा दिया, अब नेक्स्ट वन हमारी कौन सी है? ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी बताता हूँ, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है मैंने किस पे लगानी, मैंने विड्थ पे लगानी है। मैं किसको इंक्रीज करना चाह रहा हूँ? जस्ट विड्थ को, मैं विड्थ मैंने टाइप कर दिया आप। क्लियर बात यहाँ तक? कि मैंने किस पे लगानी? विड्थ पे, कि जब मैं माउस लाऊं तो हमारी विड्थ इंक्रीज हो, ठीक है? विड्थ पे भी कर सकते हो, हाइट पे भी कर सकते हो, अभी हम सारा देखेंगे, अभी आप विड्थ देखो। डन, उसके बाद नेक्स्ट वन ट्रांजिशन। नेक्स्ट वन आपसे प्रॉपर्टी के नीचे आपसे पूछा टाइमिंग फंक्शन। टाइमिंग फंक्शन का मतलब हो गया ये इफेक्ट्स हैं कुछ, इस तरह आपने उस पर देखे होंगे पावर पॉइंट में जो इफेक्ट्स आते थे स्लाइड्स बनाते वक्त, यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स हैं। मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ लीनियर वाला, कोई भी यूज करना, आप कोई भी यूज कर सकते हो। और ट्रांजिशन लगा के देखते हैं,
ट्रांजिशन, और हमारे पास कोई ट्रांजिशन की नहीं, टाइमिंग फंक्शन था, उसके अलावा ये कोई और ही प्रॉपर्टी है। डन, हमारी ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी सिर्फ यही थी, राइट साइड पे लिखा ना सीएसए ट्रांजिशन, सिर्फ यही प्रॉपर्टी थी। क्लियर बात यहां तक? डन, हमने ये प्रॉपर्टी लगाई, मैं माउस लेके आ रहा हूं, अभी तक कोई प्रॉपर्टी नहीं चली। उस ये जो माउस लेके आने वाले के नाम के मतलब प्रॉपर्टी का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं होवर कहते हैं, ठीक है। तो होवर हम कैसे लगाएंगे, हम दोबारा लिखेंगे एबीसी पे लगाने ना हमने, एबीसी कॉलन होवर। ये होवर हमारी यहाँ पे क्या है, सूडो एलिमेंट है। डन, जिसे हमने लास्ट क्लास में सूडो एलिमेंट्स पढ़े थे ना, इस तरह करके आपको मैंने कहा था होवर भी एक है, होवर भी हमारी एक होती है। होवर का मतलब होता है ये प्रॉपर्टी तब चलती है जब मैं माउस लेके आया, मैंने क्लिक नहीं किया है, मैं बस माउस लेके आया उसके ऊपर। डन बात यहां तक? अच्छा, हमने किसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाई है ट्रांजिशन की, वेट के ऊपर लगाई ना। तो इसके अंदर जिसमें वेट इंक्रीज करना चाह रहे हो या डिक्रीज करना चाह रहे हो, सब टू यू। मैं इंक्रीज करना चाह रहा हूं, मेरी एक्चुअल वेट कितनी है, 150। मैं कह रहा हूं कि ट्रांजिशन कर दे ये 600 पीएक्स तक ले जाए, कहां तक ले जाए, 600 पीएक्स तक। अब देखो मैं माउस लेके आऊंगा, अभी देखो अभी प्रॉपर्टी नहीं चल रही, जब इसके ऊपर माउस लेके आऊंगा अब आपका होवर चल रहा है। ये देखो चेक करो, ये डिले चला है, ये डिले के बाद ये आपका कंजेक्टिवली चल रहा है, इसमें आपका स्टक हो रहा होगा, ये आपका 600 तक कवर करेगा जितने आपने को टाइम दिया है। अब ड्यूरेशन आपने ज्यादा दी भी, इसको टाइम ज्यादा है, अब ये खुद वापस नहीं आएगा जब तक माउस नहीं हटाओगे। ये दोबारा डिले चल रहा है आपका, डिले के बाद ये दोबारा वापस आ रहा है, और ये वापस आके वहीं पे स्टॉप होगा जहां इसकी ओरिजिनल साइज था वेट। ये देखो क्लियर, अगर आप ट्रांजिशन वाली प्रॉपर्टी नहीं लगाओगे तो ये एग्जाम में इसको इंक्रीज करेगा। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, अगर मैं आप कह रहे हो कि मैं ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी नहीं लगाता, इसको मैं कमेंट्स में कर देता हूँ, कमेंट्स में कर दिया, अब प्रॉपर्टी तो नहीं चलेगी ना वो ट्रांजिशन की। अब देखो क्या होगा, एकदम इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये होवर है, फुल कर रहा है, ये ट्रांजिशन नहीं है। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि आपकी उसको लेके चले। डन, अच्छा अगर आप कह रहे हो मैंने ट्रांजिशन लगानी हाइट पे, यहाँ पे हाइट लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे आप विड्थ नहीं बताओगे, क्या बताओगे, हाइट, क्योंकि विड्थ बताओगे तो विड्थ दूसरी ही होगी, एकदम बढ़ जाएगी, क्योंकि आप ऊपर बता रहे हो कि मैंने ट्रांजिशन किस पे लगानी है, हाइट पे, तो ये हाइट पे इफेक्टिव होगी। तो हम यहाँ पे हाइट बताएंगे, हाइट ऊपर आपने 100 दी हुई, यहाँ मैं दे देता हूँ 500 px, और टाइम थोड़ा कम करते हैं ताकि थोड़ी स्पीड पकड़िए, 7 px, 7s सॉरी। ये देखो हाइट इंक्रीज होगी इसकी, ये देखिए डन। और डिले आपको मैंने बता दिया, दो बार चलता है आपका डिले, एक कंप्लीट स्टार्ट पे और एक कंप्लीट होने के बाद में। डन बात यहां तक? और ये जो ड्यूरेशन है, जो मैं 7s दे रहा हूँ, ये भी आपका दो बार चल रहा है। 7s का मतलब ये नहीं है कि इसमें जाना भी है और आना भी है, 7s का मतलब है इसके जाने का टाइम सिर्फ 7 सेकंड है, और इसके आने का टाइम भी कितना है, टोटल सेकंड कितने हो गए, 14। डन, और ये वापस तब तक नहीं आएगा जब तक उसके ऊपर से माउस नहीं हटाओगे, क्योंकि जब तक माउस रखोगे वो प्रॉपर्टी चला के रखेगा, उतनी उसकी हाइट रहनी। डन, अच्छा आपने विड्थ भी देख ली, आपने हाइट भी देख ली, आप कहते हो मैंने दोनों पे लगानी है, तो यहाँ पे लिख दोगे ऑल, क्या लिख देंगे यहाँ पे, ऑल लिख दोगे, और यहाँ पे फिर आप दोनों बताओगे कि विड्थ भी बताओगे और हाइट भी बताओगे। मैं फिर दे देता हूँ यहाँ पे 900 px, टाइम थोड़ा कम कर लेता हूँ, 5s। अब ये चेक करो, अब ये दोनों इंक्रीज होगा, विड्थ की हाइट स्पीड तेज है या हाइट की स्पीड तेज है, सेम नहीं है। अब देखो अगर आपको मैं कहूं कि यार एक स्टूडेंट है उसने 3 किलोमीटर 3 सेकंड में करना है, और एक स्टूडेंट है जिसने 5 किलोमीटर 3 सेकंड में करना है, कौन सा वाला तेज होगा, और एक ही स्पीड में एक ही टाइम पे भागना है ना। अब देखो यहां पे भी अगर आप देखो कि यहाँ पे अगर आप कोड देखते हो, इसकी विड्थ कितनी है, इसने जाना कहां तक है, कितना गैप है, इसकी विड्थ की हाइट कितनी है, इसने जाना कहां पे है, कितना गैप है इसमें, इसमें 400 का है और ऊपर में कितने का है,
750 फर्क होगा ना। इसको भी आपको मैं क्लियर करता हूँ, देखो मैं इसको कर देता हूँ, लेट्स सपोज 200। अब ज्यादा फर्क नहीं है, अब आपको नजर आएगा, अब हाइट बड़ी स्लो हो रही होगी और विड्थ स्पीड में होगी। यहां तक कोई मसला अच्छा, ये लीनियर ना ये सारे फैक्ट्स हैं। आपने यहाँ पे इज इन इज आउट जो भी आपने यूज करना है, इट्स अप टू यू। मैं लेट्स को लगाता हूँ इज इन योर आउट, ये थोड़ा बहुत फर्क होगा, ये स्लिप होके आगे जाएगा, ठीक है। जो स्टार्ट होगा ना वो जिसका स्लिप आपको एक नजर आएगी, माइनर सा फर्क है ये देखना यहाँ पे जब मैं लगा। ठीक है, स्लिप हुआ है वो थोड़ा सा, आप जब अपने कोड में देखोगे तब आपको फर्क नजर आएगा, थोड़ा सा फर्क है इसमें, ज्यादा नहीं। ये लीनियर, ये इज इन इज आउट, इज इन का मतलब है इन और आउट दोनों, इज इन का मतलब जस्ट इन में और इज आउट का सिर्फ आउट की तरफ, ठीक है। तो इसमें थोड़ा माइनस का फर्क, ज्यादा फर्क नहीं आ रहा। डन बात यहाँ तक, यार ये हमारे ट्रांजिशन था जो आप लोगों ने देख लिया, यहाँ तो कोई मसला, कोई मसला नहीं, ठीक है। ओके नेक्स्ट वन अब हम देख लेते हैं एनिमेशन। मैंने एज इट इज डिव लगाया हुआ है, ठीक है, एनिमेशन का कोड करते हैं। ये मैं खत्म कर रहा हूँ ओवर की प्रॉपर्टी, और ये जितनी भी हमने ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी लगाई थी इसको भी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, खत्म कर देता हूँ। पैन बात यहाँ तक ओके। अच्छा मैंने एनिमेशन, एनिमेशन किसको कहते हैं, एनिमेशन का मतलब होगा कि मैंने इसको मूव कराना है। किस तरह, मैंने सर्कल बनाना है, सर्कल को मूव कराना है ना स्क्वेयर, किसमें मूव कराना है, स्क्वेयर वाली पोजिशन में। सर्कल ऑटोमेटिकली इस तरह मूव हो रहा हो, इस तरह करके मूव हो रहा हो, या इस तरह करके वापस इस तरह आ रहा हो, इस तरह करके मूवमेंट हो, ये ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन कुछ और है, ट्रांजिशन होती है विड्थ बढ़ा रही है एक जगह पर रह के, और जो एनिमेशन है वो उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट कराएगी इस आपकी वेबसाइट पे। धन्यवाद यहाँ तक, उसको हम क्या कहेंगे, एनिमेशन। अच्छा मैं इसको स्क्वेयर की मूवमेंट नहीं कराना चाह रहा, आपने स्क्वेयर की मूवमेंट करानी है, रेक्टेंगल की करवानी है आप रेक्टेंगल ही करवा लो, या इमेज की करानी है इमेज की कोई करा लो, कि कोई इमेज रख के इमेज की मूवमेंट करवा लो। डन, मैं कराना चाह रहा हूँ सर्कल की, तो सर्कल कैसे बनाते हैं जरा मुझे बताओ, मैं भूल गया हूँ। अरे सर्कल कैसे बनाते हैं, डिप लगाया हुआ है, हाइट और विड्थ इक्वल देंगे, जो भी देनी है आपने सब टू यू, लेकिन दोनों क्या आपकी इक्वल है। मैं दोनों क्या कर दिया 100 px। नाउ हाउ मच परसेंट लगा सकते हैं, परसेंट नहीं लगाना आपको, 500 px अगर मैं लगा देता हूँ, ये आपका सर्कल बन गया, या आई थिंक मेरे ख्याल से 300 पे भी इसने कंप्लीट हो ही जाना था। धन्यवाद यहाँ तक, सर्कल बन गया। अब मैंने क्या करना है, इसके साथ एनिमेशन लगानी है, क्या लगानी है, एनिमेशन। जिस तरह हमने ट्रांजिशन का काम किया था ना, सेम लाइक एनिमेशन का काम वही करोगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा एनिमेशन, ठीक है। फर्स्ट वन आपकी कौन सी है, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है, उसको स्किप करते हैं। अच्छा ये भी वही बात कर, डिले, डिले का मतलब क्या होगा, कितनी देर बाद स्टार्ट करें, डिले हम यहाँ बता देते हैं 3s। उसके बाद नेक्स्ट वन एनिमेशन की डायरेक्शन, डायरेक्शन का वो मतलब पूछ रहा है, नॉर्मल का मतलब होगा कि इस तरह चलतेगी आपकी। डन, एक नॉर्मल, ये आपकी नॉर्मल पोजीशन है अगर आप स्क्वायर मूव करा रहे हो, ठीक है। और रिवर्स का मतलब क्या होगा, ये वापस इस तरह करके आपकी मूवमेंट होगी। डन, ये थोड़ी बहुत इसमें मूवमेंट चेंजिंग है, अभी हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद एनिमेशन ड्यूरेशन कितनी ज्यादा चले, मैं लिख देता हूँ 10s 10 सेकेंड तक चले। डन, उसके बाद एनिमेशन फिल मोड, दिस इज न्यू प्रॉपर्टी, फिल मोड अभी रहने देते हैं, ये नई प्रॉपर्टी आई है। अच्छा नेक्स्ट वन आपका आइट्रेशन काउंट, आइट्रेशन काउंट का मतलब कितनी देर तक, कितनी दफा चलाना है एनिमेशन को, आप लिख देते हैं 4, कितनी बार चलेगा, 4 टाइम चल के रिपीट होके स्टॉप हो जाएगा। डन, लेकिन अगर आप कह रहे चलता रहे तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, इनफिनाइट, इनफिनाइट का मतलब कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, अनस्टॉपेबल है ये। डन, उसके बाद एनिमेशन
नेम, आपको इसका नाम रखना पड़ेगा, कोई भी नाम रख दो, आपके पास चॉइस है, मैं इसका नाम रख देता हूँ एक्स वाई जेड, कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। बॉक्स रखना है, बॉक्स वन रखना है, ये आपसे नाम पूछ रहा है कि आपने अपनी एनिमेशन का नाम क्या रखना है, क्लियर। ओके, उसके बाद एनिमेशन का नाम भी हो गया, एनिमेशन की प्ले स्टेट कौन सी है, रनिंग, इसको आपने हमेशा रनिंग ही रखना है। और टाइमिंग फंक्शन ये वही चीज है, अफेक्ट, मैं इसमें कह देता हूँ लीनियर। डन बात यहां तक। अच्छा, इसके अंदर हमने होवर की प्रॉपर्टी नहीं लगानी, होवर की प्रॉपर्टी तो ये थी ना कि जब मैं माउस लेके आऊँ तब चलती है, इसमें हमने होवर नहीं लगाना, इसमें हमारा है कि जैसे मेरी वेबसाइट ओपन हो चलना शुरू हो जाए, क्लियर। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे क्या बताएंगे, अब इसको हमने एनिमेशन तो बता दिया, लेकिन हमने इसके अंदर यार ये चीज नहीं बताई है कि इसको आपने किस डायरेक्शन में मूव कराना है, किस किस वे में मूव कराना है आपने इसको, ये चीज यहाँ पे अभी नहीं बताई है। अब आपने ना इसके बाहर, अच्छा जरा मुझे चीज बताओ, जो आप एनिमेशन देखते हो या वीडियोस होती हैं, वो क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, कभी चेक किया है एनिमेशन कैसे बनती है आपकी, क्या कॉन्सेप्ट, उन्होंने बैकग्राउंड में क्या लगा होता है, बढ़िया। मैं आपकी आपका मतलब आपका मैं फोटो उतारता हूँ बस्ट मोड में, तो क्या होगा बस्ट मोड का पता है क्या होता है, हाँ, और अगर आप उसी तस्वीर को कॉन्टिन्यूसली मूव करते हो तो क्या इफेक्ट नजर आ रहा होता है, उस टाइप ऑफ एनिमेशन बन रही होती है, या इससे आपको एज ए टाइप ऑफ आपको क्लिप नजर आ रहा होता है, क्लिप बन गया मेरा, डन। एनिमेशन या आपकी मूवी या आपकी बेसिकली होती है, इसके बैकएंड पे नंबर ऑफ पिक्चर्स होती हैं जो एक स्पीड में मूव कर रही होती हैं, जो आपको नजर आ रही होती है एज अ क्लिप, एज एन एनिमेशन, एज अ मूवी पार्ट भी बैकएंड पे पिक्चर्स लगी होती है जो स्पीड में आपकी मूव ऑन हो रही होती है। डन बात यहाँ तक। इसे कभी आप चेक भी कर लो अपने मोबाइल पे, बस मोड पे तस्वीरें जरा खींचो एक कंजेक्टिवली, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करके, उसके बाद जब आप अपने फिंगर्स से स्लाइड करोगे ना, पिक्चर चेंज करोगे, आपको नजर आएगा एक मूवमेंट, एक आपको नजर आएगा क्लिप बन गया मेरा, वो आपने बेसिकली स्पीड एक स्पीड में, एक स्पीड में ना तस्वीरें मूव की हैं। डन बात यहाँ तक। इसी तरह करके ना मैं यहाँ पे भी वही कर रहा हूँ, उसको हम कहते हैं फ्रेम्स। डन, मुझे यहीं पे वो ही बताना है की फ्रेम्स। लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे पढ़ा था मीडिया, आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे की फ्रेम्स, एट द रेट ऑफ की फ्रेम्स का मतलब हो गया फॉर द एनिमेशन, हम यहाँ पे फ्रेम्स बनाएंगे। डन, की फ्रेम्स के बाद आपने बताना एनिमेशन का नाम, क्या रखा एनिमेशन का नाम, एक्स वाई जी टू कर्ली ब्रैकेट्स, क्लियर बात यहां तक। की फ्रेम्स किसके बता रहे हो आप, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड हमारे एनिमेशन का नाम था। अब हम इसके अंदर क्या बताएंगे, इसके अंदर हम बताएंगे 0% कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट वन, 25% की एक बतानी है जो भी हमने यहाँ पे देखा है, एक 50% का बताना है कर्ली ब्रैकेट्स, एक 75% का बताना है कर्ली ब्रैकेट्स, और एक बताना है 100% का बताना है कर्ली ब्रैकेट्स। पहली बात यहाँ तक, की फ्रेम्स के अंदर दोबारा मैं कर्ली ब्रैकेट लगा रहा हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपने बताना है, कोई मसला है यहाँ तक, कोई मसला है। अच्छा, अब आपने ना इनके अंदर प्रॉपर्टी बतानी, चार प्रॉपर्टी बतानी है, एक लेफ्ट, एक राइट, एक टॉप, और एक बताना है बॉटम, लेफ्ट राइट टॉप ऑफ बॉटम, क्लियर। ये आपने हर स्टेट में बतानी है, 0, 25, 50, 50, 70, 100। अगर हम ये बात करें थोड़ा 0% के, 0% पे लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम क्या होगा, ठीक है, 0% आप तेज स्टेट है, सर्कल को अपने काम मूव करना है, 25 पे किस साइड पे भेजना है, राइट पे भेजना है, उसका लेफ्ट क्या होगा, ठीक है, लेफ्ट पे तो ये जवाब भी देनी है, ठीक है, राइट कितनी देनी होगी, कितना दूर उसको भेजना है, ठीक है, राइट टू 60 के आपने देना 50 या 100 की या 100 में, जितनी दूर उसको भेजना है ना सर्कल को, उतना आप उसको राइट बताओ। धन बात यहाँ तक, 500 दूर भेजना है, 1000 दूर भेजना है, 200 भेजना है, 10 भेजना है, जितना दूर सर्कल को भेजना है ना उतना आप यहाँ पे राइट बताओ, मतलब राइट मतलब कितना मूव करना, मैं यहाँ पे कह देता हूँ
सर्कल ने ऊपर की तरफ किया ना, बताओ तुम्हारा क्या होगा? सर्कल के नीचे जो स्पेस होगी ना, ऊपर स्पेस नीचे जो स्पेस है ना, उसको आपने नीचे कितना भेजना है या बताओ। लेकिन अभी नीचे वो नहीं होगा, लेकिन नीचे की जगह बनाएगा। नीचे मैं कह देता हूँ 800 px, ये हमारी किस के लिए सेट हो गया, थोड़ा जीरो। ठीक है, अब बाकी अब आपको ट्राई कीजिएगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जीरो में एक हम लेफ्ट बना देते हैं, लेफ्ट कितना हम यहाँ पे दे रहे हैं, जीरो px। राइट हमने कितना दिया है, 600 px। टॉप कितना दिया हमने, जीरो, क्योंकि ऊपर तरफ स्पेस नहीं है। और बॉटम कितना दिया, नीचे की तरफ स्पेस है, 800 दिया। चलो 800 px, ये हमारा जीरो डिसाइडेड हो गया। डन बात यहां तक। अच्छा, नेक्स्ट वन आते हैं 25 के ऊपर। 25 हमारे क्या होगा, 25 स्टेट हमारी ये है। 25 के लिए क्या वैल्यूज होंगी हमारी, यहाँ पे लेफ्ट जीरो क्यों था, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट की तरफ कुछ नहीं था, लेफ्ट कुछ नहीं था। ठीक है, राइट जाते तो आपने राइट का मूव करवाना है। देन यहाँ पे क्या होगा आपका, राइट कुछ नहीं होगा, लेकिन लेफ्ट आपका होगा, लेफ्ट आपका उतना ही होगा जितना आपका राइट था। जितना आपका राइट था उतना आपका क्या होगा, लेफ्ट होगा। मैंने राइट कितना दिया था, 600, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट कितना दूंगा, और राइट हमारा क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे राइट की कोई स्नैरियो नहीं है, इस कोऑर्डिनेट के ऊपर राइट तो नहीं है ना, लेफ्ट आ रहा है। इसका टॉप कितना होगा, ऊपर जीरो होगा, और बॉटम कितना होगा, इतना भी हमने बताया है 800। ये अगर आप इसको डिफरेंट कर दोगे ना, तो ये आपका सर्कल ना बेसिक मूव होगा वेव्स में, इसको कंफर्म पता ही नहीं है। अगर सेम रखोगे तो पता है, इसमें भी सेम 800 है और पिछले वाले भी सेम क्या है, 800 है। डन, मैं यहाँ पे वही सेम कॉपी करता हूँ। लेफ्ट हमारा यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हमारा यहाँ पे 600 हो गया, और राइट हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया। टॉप हमारा जीरो और बॉटम हमारा क्या है, 800। अच्छा, 50 के लिए बताओ मुझे, हरी अब 50 के लिए क्या होगा, 50 हमारी स्टेट ये है, गुड। राइट हमारा हो जाएगा जीरो, नेक्स्ट लेफ्ट हमारा होगा 600, गुड, क्योंकि लेफ्ट हमारा इस साइड पोजीशन है हमारी। ठीक है, और टॉप कितना होगा, टॉप हमारा 800 होगा, क्योंकि यहां से हमारा टॉप ऊपर है, यहां से हमारा टॉप है ना, ऊपर टॉप हमारा नहीं था ना, यहां से हमारा टॉप है, तो टॉप हमारा कितना हो जाएगा, और बॉटम कितना हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे बॉटम नहीं, कुछ इसने इसके नीचे नहीं आना। डन, तो बॉटम हमारा यहाँ पे क्या हो गया, जीरो। अब 75 का बताओ, पे हमारा लेफ्ट जीरो होगा, राइट हमारा 600 होगा, टॉप हमारा 800 होगा, और बॉटम हमारा जीरो। डन, अब 100% की बताओ, 100% आपको वही होगा जो आपका 0% होगा, क्लियर। 100% हमारा वही होगा जो हमारा 0% था। अगर आप चेक भी करो, लेफ्ट जीरो, टॉप जीरो, राइट 600 और बॉटम 800। डन बात यहां तक। अब चला के देखते हैं कि चल भी रहा है, नहीं चल रहा, नहीं चला। ठीक है, इसके अंदर अभी आपकी एक प्रॉपर्टी रहती है ऊपर, यहाँ पे हमने यहाँ पे देनी है इसकी पोजीशन। अब इसने पोजीशन इसकी रखी है फिक्स्ड, हम यहाँ पोजीशन दे देंगे इसकी रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब हो गया इसकी पोजीशन ऑटोमेटिकली चेंज होती है। अब चेक करो, कर रहे मूव, ये तो नीचे चला गया, काफी ज़रा हमने इसकी हाइट दे दी, वो दे दी है बॉटम। बॉटम हम कर देते हैं इसका 400, इनफ है।
अब देखो पोजीशन रिलेटिव लगाना जरूरी है, रिलेटिव लगाना होता है चेंज होती है, हो रहा है मूव। ये देखो फ्लो में है, ये इधर चेक करें, ये आपका नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल आपको मैंने ये कहा था ना एक फ्लो में चलेगा, डन। अब आप कहोगे रिवर्स में आइए, ये कौन सी प्रॉपर्टी हमारी थी यहाँ पे, ये बॉर्डर रेडियस हो गया, ये पोजीशन हो गया, डिले डायरेक्शन, डायरेक्शन हम चेंज करते हैं। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ रिवर्स, रिवर्स से देखो क्या होगा, रिवर्स से क्या हुआ, रिवर्स की प्रॉपर्टी क्या कर रही है, ऑपोजिट चल रही, गुड। रिवर्स की प्रॉपर्टी क्या कर रही है, उल्टी चल रही, जिसने आप जो गाड़ी है आपको मैं कहूँ रिवर्स मोड में चलाओ, उसका मतलब क्या होता है, पीछे जाते हो, डन, उल्टा चलते हो, तो ये वही कर रहा है। रिवर्स मोड का मतलब होता है आपने जो उसकी डायरेक्शन बताई होगी ना, ये उसका उल्टा चलेगा, ठीक है। अच्छा अब दूसरा आते हैं, और कौन कौन सी थी यहाँ पे, एक ऑल्टरनेट थी, ऑल्टरनेट देखते हैं, ऑल्टरनेट क्या था, सीक्वेंस में चल रहे हैं, वापिस कहां पे आ गया, ये अल्टरनेट आपको इस तरह चल रहा है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अच्छा इसके अगला आपको एक और है अल्टरनेट रिवर्स, अल्टरनेट रिवर्स का मतलब क्या है, अभी चेक करो, सॉरी ये रिवर्स, ये देखो ये रिवर्स चल रहा है, उल्टा जा रहा है, चेक कर रहे हैं स्टार्ट इसने किस तरह किया, रिवर्स मोड में स्टार्ट किया, क्लियर बात यहां तक, ओके। ये अल्टरनेट में फर्क किया है, नॉर्मल का मतलब था इस तरह चल रहा था, ठीक है, ओके। रिवर्स का मतलब क्या था, अगर आप इस तरह जाना इसमें उल्टा चल रहा है, इस तरह चल रहा था रिवर्स में, ठीक है। अल्टरनेट का मतलब क्या है, ठीक है, और अल्टरनेट रिवर्स का मतलब क्या होगा, रिवर्स चलेगा लेकिन अल्टरनेट रिवर्स में दूसरा कभी चलेगा, समझ आ गई। आप कह रहे हो लेट्स सपोज के, अच्छा अल्टरनेट रिवर्स है, इसको हम यहाँ पे अल्टरनेट यूज कर लेता हूँ, बाकी लीनियर वगैरह इफेक्ट्स हैं। अच्छा मैं कहता हूँ 0% पे इसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो हो बाय डिफॉल्ट ब्लैक, डन। 25% पे आते आते इसका कलर हो जाए यहाँ पे रेड, 50% पे इसका कलर आते आते हो जाए ग्रीन, 75 पे इसका कलर हो जाए येलो, और 100% पे इसका कलर अगेन हो जाए ब्लैक। अब ये चेक करो, इसका मतलब ये नहीं है कि यार ये मूव करते करते एकदम ही कलर येलो कर देगा, ठीक है। अब आप लोगों को पता होता है कलर्स किस तरह बनते हैं, मल्टीपल कलर्स को मिला के, ये आपने देखा होगा ना, दो कलर्स को मिला के एक न्यू कलर बनता है, ट्राई किया होगा आप लोगों ने, कलर पेंसिल्स होती हैं उनका भी ट्राई करके देख लीजिएगा यार, डिफरेंट कलर्स बन जाते हैं दो कलर्स को मिला के। अब यहाँ पे भी यार वही कॉन्सेप्ट है, ये देखो ठीक है, इस तरह करके बॉर्डर के साथ भी कर सकते हो, बॉर्डर कलर भी चेंज कर सकते हो, डन बात यहां तक, कोई इशू, ओके। ये आज का टॉपिक, जो हमारा टॉपिक था ये हमारा एनिमेशन का था, आउटर पे आपका टेक्स्ट है ही नहीं, आपका टेक्स्ट किसके किस टैग के अंदर रखा हुआ है, उस पर इफेक्ट नहीं होगी, आप लगाओगे उस पर इफेक्ट नहीं करेगा। देखो 25 लगाया, इंक्रीज हो गया, काफी ज्यादा हो गया, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे 20,
अब चेक करें, अभी भी ज्यादा है, इसको कर देते हैं 17, दैट्स बेटर, क्लियर। ये हमने अभी आउटर लगाया, यहाँ पे आउटर को मैंने यहाँ पे दे दिया बैकग्राउंड कलर ब्लैक और स्टाइल टाइप नन, और इनर को मैंने कहा टेक्स्ट डेकोरेशन कलर और फॉन्ट साइज, और नीचे मैंने क्या किया है, सिर्फ मैंने लिस्टिंग की हुई है, ओएल लगा के लिस्टिंग की हुई है होम आउटर वगैरह, डन बात यहाँ तक। अच्छा दूसरी मैंने क्या काम करना है यहाँ पे, और क्या काम करना होगा, अभी मैं बना रहा हूँ वर्टिकल, उसके बाद बनाएंगे हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में हमें क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल नेविगेशन आपने देखी होगी किस तरह करके होती है, उसकी विड्थ क्या होती है, कम होती है, वर्टिकल जो आपकी लेफ्ट साइड पे लगी होती है इस तरह करके बार, ठीक है, उसकी विड्थ कितनी होती है, कम होती है। विड्थ कहाँ पे लगाओगे, इधर विड्थ हम दे देते हैं इसको यहाँ पे 200px, हो गया कम, थोड़ी और कम कर देते हैं 150px, दैट्स बेटर। हाइट थोड़ी इंक्रीज कर देता हूं, इसकी हाइट कर देता हूं मैं 250px, हाइट इंक्रीज कर दी, डन बात यहां तक। इसने क्या किया, आपका वर्टिकल होता है ना साइड पे लगा होता है कि आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपने यहाँ पे इसकी विड्थ कम होती है, हाइट थोड़ी ज्यादा होती है, क्लियर। अच्छा अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब मैंने यार यहाँ पे ये करना है, मैंने होम अबाउट अस कैरियर साइट मैप इन सबको एक ब्लॉक बनाना है, क्या बनाना है, ब्लॉक, एक बॉक्स बनाना है। अभी ये क्या हो रहे हैं, अभी यार ये सारे ना एक एक हैं, मैंने सबको ना अलहदा अलहदा करके ब्लॉक बनाना है, जिस तरह माउस लेके जाते एक ब्लॉक नजर आ रहा था ना होम के ऊपर, एक पूरा एक ब्लॉक, इस तरह करके अबाउट अस पे पूरा एक ब्लॉक नजर आ रहा था बॉक्स बना हुआ, तो मैंने वो काम करना है, ठीक है। लेकिन वो काम करने से पहले मैं इनकी पैडिंग और मार्जिन खत्म करता हूँ जो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर है, पैडिंग कर देता हूँ 0px और मार्जिन भी कर देता हूँ 0px। अब देखो जब मैंने पैडिंग और मार्जिन 0px किया, हो गई खत्म, हो गई स्पेसिंग इनकी जो एक बाय डिफॉल्ट थी। अच्छा अब मैंने ब्लॉक किसको करना है, टेक्स्ट को करना है, तो मैं टेक्स्ट को कर देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक, क्या कर दिया मैंने डिस्प्ले ब्लॉक। अब आपका हर टेक्स्ट एक बॉक्स बन गया, पहले आपका टोटल एक बॉक्स था जिसके अंदर आपके चार टेक्स्ट थे, अब क्या किया उसने, मैंने किसकी प्रॉपर्टी लगा, इनर, इनर प्रॉपर्टी किसकी थी हमारी, टेक्स्ट की, हर टेक्स्ट मेरा किसमें आ गया, अब एक बॉक्स में आ गया, ये भी बॉक्स में आ गया, ये भी बॉक्स में आ गया, ये भी बॉक्स, मतलब यहाँ तो इतने बॉक्सेस बन गए, धन्यवाद यहाँ तक, क्लियर। अब इसको देखो आपको यहाँ पे अफेक्ट अभी नजर नहीं आ रहा, मैं इसमें लगाता हूँ पैडिंग, टेक्स्ट के अंदर लगा रहा हूँ पैडिंग 25px। अब चेक करना काफी ज्यादा हो गई है 20px, ये देख रहे हो। अच्छा ये थोड़ा बॉक्स थोड़ा साइज इंक्रीज करना है, 300 कर देते हैं, अब देख रहे हो अब हमारा हर कोई एक बॉक्स बन गया ना यहाँ पे, डन बात यहाँ तक। अच्छा अब इसको हमने बीच में लेके आना है, कैसे लगाओगे, अलाइनमेंट करनी है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये आपका ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ गया, सेंटर में आ गया अब टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा ये हमारी बन गई है नेविगेशन, रेडी है, डन। अब मैंने इस पर क्या करना है, मैं कह रहा हूँ जब मैं माउस लेके आऊँ तो इसका कलर चेंज हो, तो माउस लेके आने वाली सूडो क्लास कौन सी हमारी, होवर। अच्छा वो किसके साथ लगाओगे, आउटर के साथ इनर के साथ, आउटर पे लगाओगे उसका मतलब हो गया पूरा बॉक्स, मैंने किसको हाईलाइट करना है, टेक्स्ट को वन बाय वन, ठीक है, तो मैं लगाऊंगा इनर के साथ, इनर कॉलन होवर, होवर की प्रॉपर्टी लगा दी, होवर की प्रॉपर्टी में आप कुछ भी बता दो क्या करना चाह रहे हो, होवर की प्रॉपर्टी में बस क्या करना चाह रहा हूं मैं, जस्ट बैकग्राउंड कलर, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और मैं कह रहा हूँ बैकग्राउंड कलर क्या कर दे, रेड कर दे, बस एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं, और ये देखो अब मैं माउस लेके आता हूँ, मुझे नजर आ रहा कोई इशू, क्लियर, यहाँ तक कोई इशू, डन। इसके अलावा मैंने यहाँ पे अब क्या चेंज करना है, मैं कहता हूँ एक कलर चेंज कर दो और एक टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर दो, टेक्स्ट स्टाइल क्या कर दो उसका, सॉरी फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल के नाम से प्रॉपर्टी है, फॉन्ट स्टाइल क्या कर दो उसका
अटैलिक। अब देखो चेक करो क्या होगा, दो प्रॉपर्टी जा रही होंगी, टेक्स्ट हमारा अटैलिक हो रहा है, ठीक है। आप कह रहे हो बोल्ड करना चाह रहे हो, फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी थी बोल्ड के लिए, फॉन्ट वेट बोल्ड कर दो, और कलर चेंज करना चाहो कलर भी चेंज, मैं कलर कर देता हूँ, कलर कर दे ये ग्रे कर दे। अभी चारों की प्रॉपर्टीज कब लगेंगी, जब माउस लेके आओगे, कलर ग्रे हो रहा है, ठीक है। अंडरलाइन करना चाहो, टेक्स्ट डेकोरेशन यहां पे लगा दो, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, अभी ऑटोमेटिकली अंडरलाइन भी हो जाएगा, और अंडरलाइन, ये हमारी कौन सी नेविगेशन बन गई है, वर्टिकल, ठीक है। बात यहां तक कोई इशू, कोई इशू नहीं। अच्छा मैं यहाँ पे एक लगा रहा हूँ एक इमेज, अभी चेक कीजिएगा इस ओवल के नीचे, मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक इमेज, मैं यहाँ पे आई एम जी एस आर सी एक इमेज लगाता हूँ, कोई बड़े वाले साइज की ये लगा देते हैं एक इमेज। अब ये चेक कीजिएगा आपकी इमेज कितनी बड़ी है, ये नजर आ रही इमेज कितनी बड़ी है आपकी। अच्छा अब इमेज का नुकसान क्या हुआ, जब मैं नीचे आया हूँ मेरी नेविगेशन कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। अब मुझे अगर पेज चेंज करना पड़ गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। तो आप कह रहे हो कि मैं नीचे आता रहा लेकिन मेरी नेविगेशन उधर की उधर ही रहा, डन। तो इसका इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या सेट करना चाह रहा हूँ उसकी, सो क्या कहते हैं पोजिशन, क्या कहते हैं पोजिशन, में किसकी सेट कर रहा हूँ, बॉक्स की या टेक्स्ट की, बॉक्स की है टेक्स्ट की, बॉक्स के अंदर आपका टेक्स्ट है। अगर टेक्स्ट ही कर दोगे बॉक्स ऊपर आ जाएगा, बॉक्स ऊपर आ जाएगा टेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, तो बॉक्स के अंदर आपका टेक्स्ट है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, पोजीशन कौन सी लगाऊंगा, फिक्स्ड पोजीशन क्या लगा दूंगा मैं, फिक्स्ड। फिक्स का मतलब हो गया अब ये चेंज नहीं करेगा, ये देखो जहां मर्जी से आ जाओ। धन्यवाद, यहां तक पोजीशन मैंने क्या की इसके साथ फिक्स कर दिया, अब ये अब आपका नहीं मूव होगा, चाहे आप नीचे आ रहे हो आपकी नेविगेशन आपकी साथ साथ आ रही है। जिस तरह आपने फेसबुक ही देखी होगी, वो टॉप बार आप नीचे आ रहे होते हो लेकिन वो टॉप बार आपकी ऊपर ही रहती है, आप ऑटोमेटिकली होम या अपने प्रोफाइल ओपन कर सकते हो, आपको डायरेक्ट ऊपर नहीं जाना पड़ता दोबारा से। क्लियर बात यहाँ तक, ओके। अच्छा और अच्छा डिफरेंट पेजेस मेरे बने हुए, मैं लिंक लगा देता हूँ। अच्छा होम का पेज का लिंक कौन सा होता है एचआरईएफ के अंदर, हम सेम पेज लगा देते हैं, मेरा पेज का नाम क्या है, एंटाइटल्ड वन, डन। होम हमारा वही होता है ना, सेम पेज, ठीक है। अबाउट अस का मैं कोई और पेज लगा देता हूँ, अबाउट अस का कोई और पेज लगा देते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोड किया हुआ है एंटाइटल्ड 10। कैरियर का पेज हम यहाँ पे लगा देते हैं 11, मेरी एक एचटीएमएल बनी हुई है, और इसका हम एक बना देते हैं, ये भी मैंने कोई बनाया हुआ है, और कॉन्टेक्ट अस का एक बना देते हैं हम यहाँ पे एंटाइटल 9। अब देखो ये आपके डिफरेंट पेजेस ओपन होंगे, होम पे क्लिक किया सेम पेज ओपन हो गया, अबाउट अस पे क्लिक किया ये आपका पेज ओपन हो गया, दूसरा पेज आपका ओपन हुआ है, ठीक है। कैरियर पे क्लिक किया आपका ये पेज ओपन हो गया जो आपने कोडिंग की हुई है, डन। साइट मैप पे क्लिक किया आपका ये पेज ओपन हो गया, और कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किया आपका ये ओपन हो गया। बात समझ में आ गई, ये आपका डिफरेंट पेजेस यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, आपको मैंने बताया था कि एचआरएफ के अंदर जो भी रखते हो आपका ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, ठीक है। अच्छा अगर आप कह रहे हो सेम टैब पे ओपन ना करे, डिफरेंट टैब में ओपन करे, तो उसके लिए क्या कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक को आप नीचे ए में लगा दीजिएगा, क्लियर। अच्छा अब मसला क्या आ रहा है, मैं कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे नेविगेशन नजर नहीं आ रही, मुझे यहाँ पे नेविगेशन नजर नहीं आ रही। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है आपने हर पेज के अंदर ये सेम कोड करना ही करना है, नेविगेशन का टोटल कोड आपने करना ही करना है। बस समझ में आई, आपने हर पेज के ऊपर ये वाला सारा कोड करना है फॉर अ नेविगेशन, ये सारी स्टाइलिंग करनी है और ये नीचे वाला सारा कोड करना है, ये ओएल वाला, ये हमारा किसके वाला कोड है हमारा, ये आपने हर पेज पे रखना है, क्योंकि हर पेज पे नेविगेशन आपको सेम नजर आती है। आप जिसमें फेसबुक एग्जांपल देता हूँ, आप होम पे क्लिक करते हो, होम का पेज ओपन होता है, वही होती है, अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करते हो पेज चेंज होता है, नीचे बार ऊपर वही होती है,
ठीक है, उन्होंने क्या किया होता है, हर पेज पे सेम कोड किया होता है, उसके नीचे वाला कोड चेंज होता है। क्लियर बात यहां तक? जस्ट ये नेविगेशन को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आपने ये बॉडी में ये लाजमी करना है और ऊपर ये वाला कोड लाजमी करना है। डन बात यहां तक? कोई मसला? ठीक है। अच्छा, अब सिर्फ दो पॉइंट रह गए सिंपल से। इसको मैंने कन्वर्ट करना है हॉरिजॉन्टल में। किसमें कन्वर्ट करना है? हॉरिजॉन्टल में। क्या करोगे? बस एक है, आपने अभी तक आपने आईडी किसको दी थी? ओएल को दी थी। और एक किसको क्लास दी है? ए को दी है। अब हम क्लास देंगे एलआई को, यू की क्लास दे रहा हूं। एलआई के ऊपर ही प्रॉपर्टी लगानी। एलआई का मतलब होता है फॉर अ हॉरिजॉन्टल। मैं एलआई के ऊपर भी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, सारी एलआई के ऊपर लिख दिया मैंने क्लास बाय यू। ठीक है, और ऊपर आके यहाँ पे लिख दोगे डॉट वायु के ऊपर प्रॉपर्टी लगानी है। वो क्या लगानी है? जस्ट एक प्रॉपर्टी लगानी है, फ्लॉट लेफ्ट की। दैट्स इट। ये आपकी हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट। पूछो क्या पूछना था। ठीक है, फ्लॉट लेफ्ट की लगानी है। ये वायु मेरा कौन सा? एल आई। सिर्फ इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाई। अब आपकी यहां पे देखो, ये हमारी यहाँ पे अभी कन्वर्ट नहीं हुई है। क्यों नहीं कन्वर्ट हुई? क्योंकि आपने यहाँ पे जो इसका विड्थ दिया हुआ है वो कितनी दी हुई है? हॉरिजॉन्टल की विड्थ कितनी होगी? 100% होगी ना? 100% देनी है, कम देनी है, सब टू यू। 100%। अब चेक करो, हो गए कन्वर्ट? ये क्यों ज्यादा आ रहा है? आपने यहाँ पे हाइट दी हुई, हाइट हम खत्म कर देते हैं, हाइट की जरूरत नहीं हमें, हाइट ऑटो पे ले आया दोबारा में। चल रहा है, डन। सिर्फ मैंने वहां पे वेट 100% कर दी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल की वेट कितनी होती है? 100%। और दूसरा मैंने वहां पे क्या किया? हाइट खत्म कर दी और फ्लोर क्या लगाया? लेफ्ट। अच्छा, कभी कभार ना इशू दे रहा होता है तो आउटर के लिए हम एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो हिडन लगाना होता है ये बाहर वाले में, अब कभी इशू नहीं देगा। ठीक है, फ्लोर लेफ्ट दो काम करता है, उसको एक करता है रैपिंग करता है और दूसरा एक लेफ्ट राइट करता है। आपने लेफ्ट राइट में देखा था, ये रैपिंग भी करता है, उसको रैप कर दिया इसने एक लाइन। बहुत लंबा जुड़ा काम है, हमने जस्ट एक प्रॉपर्टी लगाई ऑटोमेटिकली आपको, उसके थ्रू हो जाएगा। हाँ, ये डिफरेंट है, उसमें भी आप कर सकते हो, इशू डन बात यहाँ तक। अच्छा, अब इधर देखो, ये मेरा होम है, ये मेरा अबाउट अस है, ये मेरा कैरियर है, ये मेरा साइट मैप और ये मेरा कॉन्टेक्ट अस है। मैं कैरियर को चाह रहा हूँ इस साइड पे लाना। कैरियर को किधर लेके आना? मैंने इस साइड पे। कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू राइट पे लेके आते हो? फ्लॉट की प्रॉपर्टी पड़ी थी ना, फ्लॉट राइट करते हैं, तो किसको करना है हमने? कैरियर को। तो कैरियर का ढूंढो नीचे आके, कैरियर कौन सा है हमारा यहाँ पे? दिस वन। कैरियर के एलआई के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? फ्लोट। लेकिन ये फ्लोट हमारा लगता है स्टाइल के अंदर, स्टाइल फ्लोट राइट, इसको राइट साइड पे लेके आना है मैंने। अब चेक करो कहाँ पे आ गया वो, ये होम का बॉक्स, ये अबाउट अस का बॉक्स, ये साइट मैप का बॉक्स, ये कॉन्टेक्ट अस का बॉक्स और ये कैरियर का। कैरियर पे रेड हो रहा है हाईलाइट, वहां पे देखो। जिसको राइट पे लेके आना उसको राइट की प्रॉपर्टी लगा दो, कॉन्टेक्ट अस को भी लगा, कॉन्टेक्ट अस भी इधर आ जाएगा। कुछ आपने देखा होगा ना, सर लॉगिन और साइन अप इस साइड पे होता है, बाकी नेविगेशन हमारी साइड पे होती है, उन्होंने बस फ्लोट की प्रॉपर्टी लगाई होती है। क्लियर? ठीक है, यहां तक कोई इशू? अच्छा, अगर आपने हर होम के साथ, अबाउट अस के साथ, साइड मैप के साथ इमेजेस भी लगानी है तो कोई फर्क डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपने इमेज का टैग लगाना और कुछ भी नहीं करना, इमेजेस आ जाएंगी इनके साथ। ठीक है, यहां तक कोई इशू? अच्छा, ये तो आपको होवर की प्रॉपर्टी दे रहा है, होवर 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 होवर। अच्छा, मैं दूसरा कोई पेज ओपन करता हूँ जिसके अंदर आपको मैंने बस एक सूडो एलिमेंट बताना है। हम 9 वाले में काम कर लेता हूँ, 9 का पेज मैं ओपन करता हूँ। ये सारा हमारा कोड हुआ है 9 का। ये 9 वाला पेज हमारा कौन से वाला है? दिस वन। ठीक है, हमने इसमें इसमें भी मैंने वो नेविगेशन लेके आनी है, तो मैं क्या कोड करूंगा, सारे सारा कोड इसमें पेस्ट कर देता हूं मैं।
ये स्टाइलिंग का जितना भी कोड है ये सारा कोड मैं यहाँ से कॉपी किया, इस 9 वाले में भी लगाना है। अच्छा स्टाइलिंग पहले की हुई भी है तो स्टाइल के अंदर ही लगा देता हूँ मैं, दोबारा स्टाइल नहीं लिखेंगे, स्टाइल एक दफ़ा लिखते हैं ठीक है। और ऊपर से भी मैं यहाँ पे एक दफ़ा स्टाइल ख़त्म कर देता हूँ। हमने स्टाइल के अंदर अपनी वो सी एस एस की प्रॉपर्टीज लगा दी हैं ये वाली, और पहले की कुछ रखी हुई थी इनकी अपनी, डन ठीक है। और दूसरा कोड कौन सा था हमारा, नीचे कोड था वो कौन सा था, दिस वन, ये हमारा नेविगेशन कोड था OL, इसको कॉपी किया। और इसको हमने कहाँ पे रखना है, बिल्कुल स्टार्ट में, क्योंकि बॉडी के बिल्कुल स्टार्ट में हमने लगाना होती नेविगेशन। अब अगर हम देखो यहाँ पे भी नेविगेशन आ गई ठीक है, यहाँ पे भी आ गई, होम पे क्लिक करता हूँ देखो होम पे भी नजर आ रही है, अबाउट अस पे भी आपने कोड नहीं किया हुआ है इस वजह से आपको नजर नहीं आ रही, साइट मैप में अभी आपने नेविगेशन कोड नहीं किया नजर नहीं आ रहा, लेकिन कॉन्टेक्ट अस में भी आपने कोड कर दिया, देखो कॉन्टेक्ट अस में नेविगेशन नजर आ गई, वही सारा कोड मैंने सेम टू सेम कहां कॉपी कर दिया उधर ठीक है। और कैरियर में भी आपने कोड नहीं किया इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा। अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज है, अब देखो मैं यहाँ पे मेरा ये मेरा कौन सा पेज ओपन हुआ हुआ है, होम का पेज, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा होम का पेज ओपन है, क्लियर। ये पेज मैंने ओपन किया, ये मेरा कौन सा पेज ओपन हो गया, कौन सा पेज ओपन हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारा कॉन्टेक्ट अस का पेज ओपन हुआ ही है। वहां पे किसना करके होता है, जब आप फेसबुक पे ओपन करते हो क्या होता है, जो सा पेज ओपन होता है वो क्या होता है, हाईलाइट होता है, वो डार्क होता है ना, इस तरह ही करके। लेट्स पोज, ये तो होवर तो तब चल रहा है ना जब मैं माउस लेके आ रहा हूँ, आप कह रहे हो जो सा मेरा पेज ओपन हो वो वाला मेरा यहाँ पे हाईलाइट हो, वो मेरा यहाँ पे क्या हो, हाईलाइट हो। उसके लिए प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एंड टाइटल वन के अंदर मैं बताता हूँ, ये हमने किसके ऊपर लगाना है, बॉक्स के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर, गुड। डॉट इनर, इसके लिए मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ एक्टिव की, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक्टिव की, धन्यवाद। यहां तक एक्टिव की प्रॉपर्टी के अंदर कह देता हूं कि जो सा मेरा एक्टिव होगा उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, कौन सा कलर कर दें, ग्रीन, उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, बाकी और प्रॉपर्टी लगानी हो तो लगा सकते हो, डन। अच्छा अब इसको चलाओगे कैसे, अब यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे हमारा कौन से वाला एक्टिव है, होम है, कौन सा है, होम एक्टिव है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, हाँ आप बताओ क्या लिखूंगा, यहाँ पे क्लास इनर, और दूसरी क्लास हम यहाँ पे दे देता हूं मैं एक्टिव की, यहाँ पे सॉरी ए के अंदर नहीं लगाना, हमने एल आई में लगाना है यहाँ पे एक्टिव, किया के इसके साथ आपने जस्ट ये लिखना है, ऊपर लिखना है डॉट एक्टिव, क्या लिखना है, डॉट एक्टिव, डॉट एक्टिव ये क्लास बनाओगे और यहाँ पे लिख दोगे जिसको एक्टिव करना है, मैंने क्लास में लिख दिया एक्टिव। अब इसका मतलब कि एक यू लिखा हुआ है और एक स्पेस का मैंने क्या लिख दिया एक्टिव, इसका मतलब इस एलआई को दो क्लासेस लग रही हैं, कौन कौन सी, यू और एक्टिव। यहाँ पे सेपरेट करने के लिए हम कोमा नहीं लगा सकते ठीक है, और ना आपको मैंने आपको बताया था कि एक दफा अगर हमने एट्रीब्यूट यूज करें दोबारा हम वो सेम एट्रीब्यूट उसमें यूज नहीं कर सकते, तो दोबारा क्लास तो लिख नहीं सकते ना, तो इसी क्लास के डबल कोट्स के अंदर मैंने उसका दोबारा स्पेस देके एक नया नाम दे दिया। अब इसको कितनी क्लासेस लग रही हैं, दो, एक यू की और एक, अगर एक और क्लास देनी होगी दोबारा स्पेस दोगे और एक नया नाम लिख देंगे। डन, अब चेक करो, हुआ वह ग्रीन बाय डिफॉल्ट ठीक है। अच्छा अब दूसरा पेज हमारा, हमने एंड टाइटल 9 में काम किया था, मैं यही एक्टिव कोड यहां से कॉपी कर रहा हूं, ये 9 में आके मैंने पेस्ट कर दिया इसके स्टाइल में, और यहां पे किसको एक्टिव करना है, कॉन्टेक्ट अस को, यहां पे मैं कॉन्टेक्ट अस के साथ लिख रहा हूं एक्टिव। अभी चेक करो, ये हमारा कॉन्टेक्ट अस एक्टिव है यहां पे, और अगर मैं होम पे क्लिक करता हूं मेरा कौन सा एक्टिव हो गया, कॉन्टेक्ट अस तो नहीं है, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किया हमारा कौन सा एक्टिव हो गया ठीक है। आपने सिर्फ इतना काम करना है उसके पेज में जाके
उस एल आई के साथ आपने एक्टिव लिखना है, दूसरे वाले को रिमूव कर देना है और उसके साथ लिखना है। कोई मसला ठीक है। अच्छा अच्छा हमारा टेक्स्ट यहाँ पे इनर होता है। अच्छा एक है हमारा यहाँ पे लिंक और एक है हमारा यहाँ पे विजिटेड, ये आप लोग खुद देख के आओगे।